हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लक्की स्टार में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे आप किस प्रकार से आप अपने एटीएम मशीन द्वारा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि आप मान लीजिए आपके पास, यदि आप फोन पे या गूगल पे ऑनलाइन पेमेंट यूज़ नहीं करते हैं और मान लीजिए आपके पास सिर्फ एटीएम कार्ड है और आप चाहते हैं किसी को पैसे भेजना, तो यदि आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर आपको दोस्तों बड़ी समय लगता है, वहाँ पे आपको कई फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र हो पाता है किसी को भेजना चाहते हैं। दोस्तों, आप पैसे भेजने के लिए जाते हैं किसी सीएससी सेंटर पे, तो वहाँ पे आपको दोस्तों कुछ चार्ज देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको अपना किसी भी चार्ज आपका कहीं भी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। दोस्तों, आप इस तरीके से बिना किसी चार्ज के और बिना बैंक जाए हुए आप अपने पैसे को अपने फ्रेंड या अपने कैंडिडेट जिसको आप भेजना चाहते हैं उसे आप भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया हूँ कि आप किस प्रकार सेंट्रल बैंक किस प्रकार से पैसे भेज सकते हैं, यानी कि आपका जो बैंक है सेंट्रल बैंक का है और जो बेनिफिक्री का एक बैंक जो है वो भी सेंट्रल बैंक का है, तो आप किस प्रकार से उसमें पैसे आप भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो उसमें एक और बात बता दूँ दोस्तों कि उसमें ये जरूरत नहीं है कि आपका वो जो जिसमें आप पैसे भेज रहे हैं वो भी आप ही के बैंक में उसका अकाउंट हो, वो अदर कहीं भी किसी राज्य किसी ज़िले में, बस वो सेंट्रल बैंक का एटीएम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने एटीएम मशीन में अपना एटीएम कार्ड इंटर कर लेना है और यहाँ पे कुछ देर के लिए यहाँ पे होल्ड करके छोड़ देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कृपया ध्यान दें, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मेन मेन्यू पे क्लिक करना है। ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन मेन्यू, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं थर्ड नंबर पे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ऊपर लिख रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे OFT पे आपको क्लिक कर लेना है। आप OFT पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट, अपने आपका जो जिस प्रकार का आप खाता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेविंग अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आ रहा है कि आप अपने बेनिफिकरी का अकाउंट नंबर डालिए, यानी कि जिसको आप पैसे भेज रहे हैं आपको यहाँ पे अपना उसका अकाउंट नंबर सिर्फ डाल देना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपका वो जो अकाउंट नंबर है वो सेंट्रल बैंक का ही होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रीटाइप करना है, यानी कि फिर से आपको बेनिफिकरी का अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपना अमाउंट भरिए, आप जितना भेजना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अपना सिंपली 1 रुपये डाल के भेजते हैं क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन डाल लेना है, जो भी आपके एटीएम का पिन है वो यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों अपना पिन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ऊपर प्रेस दिस की टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपका पैसा जो है, देखिए यहाँ पे प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन बीइंग प्रोसेस, तो आपका जो पैसा है वो आपके बेनिफिकरी के अकाउंट नंबर में चला जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या प्रिंट चाहते हैं, तो आप यस कर लीजिए, यानी कि जो आप स्लिप चाहते हैं इसकी। ये देखिए दोस्तों, प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन योर ट्रांजेक्शन बीइंग प्रोसेसिंग, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा ट्रांजेक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं अपना अकाउंट बैलेंस कि आपके अकाउंट से बैलेंस कटे हैं या नहीं, और अपने जो आपको जिसको आपने भेजे पैसे उसके खाते में गए हैं या नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी पूर्वक हमने अपने एटीएम मशीन द्वारा अपना पैसा भेजना सीख लिया है। दोस्तों आप क्या करिए, सबसे पहले काम कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके कि आप किस प्रकार से पैसे भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों इस तरीके से आप बिना किसी तामझाम के, बिना बैंक जाए हुए आप अपने पैसों को, अपने जिस किसी कैंडिडेट को आप पैसा भेजना चाहते हैं उसे आप बड़ी ही आसानी तरीके से आप उसे पैसे भेज सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, एटीएम में जाके बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। Thank you.